Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video. आज की वीडियो guys बहुत ज़्यादा interesting है और बहुत ज़्यादा important भी है. मैंने अपनी पिछली वीडियो में चूंकि वादा किया था कि next video will be about internship questions के मेरे experience के मुताबिक जितने मैंने interviews दिए उसमें मुझसे क्या पूछा गया. स्पेशली जब जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है या जब बंदा जो है वो इंटर्नशिप के लिए जाता है तो इतना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो होता नहीं है बंदे को, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं होता. तो बेसिकली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मतलब मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो लोग क्या पूछ रहे होते हैं. और हाँ ऑफकोर्स मेरी एक दो कुछ और लोगों से भी बात हुई है एंड माई ब्रदर ही इज़ अ सीनियर इंजीनियर राइट नाउ, ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो खुद HR रह चुके हैं तो उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है. तो खैर जो मैंने एनालिसिस किया सब आपको जो है आज की वीडियो में मिलेगा. तो आपको ये करना है हमेशा की तरह स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. और अगर आपको लगे कि वीडियो जो है हेल्पफुल थी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लेट्स डाइव इनटू इट गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो यही होता है कि यार आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे और ढेर सारे आपसे जो है वो एकेडमिक के क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया और GPA आपका एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मतलब मोस्टली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है लेकिन अक्सर क्या होता है कि इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है. अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा कि इट वाज इन इजी लैंड प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउस है ये. और उसमें ये था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जाहिर है पहले थोड़ा कम्फर्टेबल होगा, ठीक है, मतलब मेरे जो इंटरव्यूअर होंगे मेरे साथ थोड़ा कम्फर्टेबल कम्फर्ट जोन बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो. ऐसा कुछ नहीं हुआ. जैसे ही मैं जाके बैठा द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क वॉज आप क्या कर रहे हैं, ठीक है. तो मैंने उन्हें बताया मैं ये कर रहा हूँ. आपने क्या किया है, दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन. और थर्ड क्वेश्चन, ये मैन बता रहा हूँ मैंने आंसर किए थे इन सब के, तो थर्ड क्वेश्चन वॉज कि आप क्या करना चाहते हैं. गैस ये तीन क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, किसी ना किसी क्वेश्चन को घुमा फिर आगे कर सकते हैं लेकिन ये तीन क्वेश्चन लाजमी होते हैं हर इंटरव्यू में कि आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं. और बाकी भी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं वो इन्हीं के गिर्द जो है ना गिर्दिश करते हैं. किस तरह वो आपको आगे क्वेश्चंस में पता चल जाएगा. अच्छा तो गाइस इन क्वेश्चंस के ना आपने बड़े वाइजली आंसर करने होते हैं और आपने वही शो करना होता है, वही बताना होता है जो आप वाकई कर रहे हैं और जो आप वाकई करना चाहते हैं. ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, सच्ची बात करना, वो भी आपको अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा. द नेक्स्ट थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट कि यार जिस चीज के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए और जिस फील्ड में जो है आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मैं कहूँगा सब कुछ पता होना चाहिए. सब कुछ पता होने का मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ों पर होल्ड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं गया था अपने फर्स्ट इंटरव्यू में जब, तो मैं जो है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था. तो अब फ्रंट एंड इस टाइम जो सबसे देखा जाए जो फेमस एक फ्रेमवर्क है वो है रिएक्ट. अब मुझे रिएक्ट का मुझे कुछ नहीं किया था, मैंने कोई काम नहीं किया था रिएक्ट का, बट मुझे पता था कि क्वेश्चन होगा. व्हाई? बिकॉज आप जिस चीज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जितना ज्यादा हो सके ना आपको चीजों का नो हाउ होना चाहिए. द टर्म आई एम यूजिंग फोकस ऑन इट, नो हाउ होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आपने काम किया हो या पता ही हो आपको, ठीक है. क्योंकि आई टॉक टू माई ब्रदर, उनने भी ये कहा कि उनने मुझे ये एडवाइस दी थी कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ये सिर्फ इंटर्नशिप की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल इंटरव्यूज की बात हो रही है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको चीज़ों का पता हो. ये बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंप्रेशन डालते हैं. जब वो आपसे कोई बात करना चाहे तो आपको उस टेक्नोलॉजी का वो किस तरह पता चलता है. एक छोटी सी उसके लिए आपको एडवाइस भी दे देता हूँ कि किस तरह से करना है. आप जो है लिंक्डइन पर मुख्तलिफ पेजेस फॉलो करें अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. जब जॉब्स आती हैं ना तो आपको पता चलता है, आपको उनमें नज़र आती हैं चीज़ें. तो जो चीज़ आपको नहीं पता होती ना कि आप कहते हैं अच्छा ये भी एक चीज़ है. तो आप फॉर एग्जाम्पल Vue.js मुझे नहीं पता था, मैंने देखा लिंक्डइन पर काफी जगहों में मुझे नजर आया Vue.js, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है. देन आई जस्ट टुक अ डाइव इनटू इट कि यार ये क्या है. तो इस तरह से चीज़ें पता चलती हैं, इस तरह से आपको टेक्नोलॉजीज का पता चलता है, ठीक है. अच्छा अब यार ये मेन चीज़ें फिर आते हैं कि आपके अकेडेमिक्स से आपसे कुछ पूछा जाता है क्या. बिल्कुल पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है यार, अगर आप IT की किसी भी फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना कम से कम आपको बेसिक्स क्लियर हो. बेसिक में क्या आता है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यार, एक OOP आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा आता है डेटा स्ट्रक्चर्स. इनके बारे में डिटेल्ड वीडियोस हम बनाएंगे, देखेंगे कि क्या पता होना चाहिए और किस तरह के बेसिक्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है. लेकिन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, या कभी कभी यूँ पूछा जाता है जो फॉर एग्जाम्पल जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं
उनमें जो है उनकी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें, उनकी कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल दें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपसे ये देखा जाता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। फिर आपको या छोटा सा कोई लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अच्छा यार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने उसका छोटा सा कोड लिखना होता है। और वो ये नहीं आपको अच्छा, एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स के जहन में कि यार मुझे पाइथन आती है, मुझे C++। यार आपको सूडो कोड लिखना ना लिख लिखाना चाहिए, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है कि आपको लॉजिक पता हो कि किस तरह से ये काम करेगा। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, हर लैंग्वेज में आप सारे काम कर सकते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। नेक्स्ट चीज़ यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स पूछते हैं GPA का, पूछते हैं GPA का नहीं पूछते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। हाँ कभी कभी जो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बाद में जब पूरा इंटरव्यू हो जाता है, फिर कहते हैं अच्छा यार आपका GPA फॉर एग्जांपल अगर 2.45 इस तरह मतलब कम है, तो आपसे पूछेंगे कि मतलब क्यों कम है, डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। तो ये नहीं होता कि आप आपका आपके पास स्किल अच्छा है, आपको काम आता है, आपका GPA 2.2 है, तो आपको कहेंगे वो सामने दरवाजे निकल जाओ। नहीं 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 ऐसा कोई सीन नहीं। अब GPA मैटर क्यों करता है या क्यों नहीं करता है, इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। अच्छा नेक्स्ट जो यार एक दो बातें और हैं, और वो ये है कि अच्छा यार एक कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास, दो तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, ठीक है, जूनियर्स की तरफ से पूछे गए या जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं मुझसे पूछे तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यार जो आप यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स पढ़ते हो क्या वो आपको प्रैक्टिकल काम आते हैं? आप सोच रहे हो कि नहीं आते, डेफिनेटली आते हैं। कीप इन माइंड जो आप जो यह कुछ भी नॉलेज आपके पास है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको पूरी लाइफ काम ना है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग में ना सर ने यूं ही पूछा, अच्छा जो है आपको आप में से किसी को पता है, मेरे साथ 3-4 और इंटर्न्स भी थे, ठीक है, मीटिंग में उन सर ने पूछा कि अच्छा हमारे जो बॉस थे ही आस्क के आपको आप में से किसी को पता है कि वेब काम किस तरह से करता है, इंटरनेट इंटरनेट काम किस तरह से करता है? तो आई वॉज द वन हु रेस्ट हैंड के मुझे पता है सर, तो मैंने थोड़ा सा बताया क्योंकि मैंने रिसेंटली नेटवर्किंग पढ़ी थी, ठीक है, और अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरह की एक छोटी सी एग्जांपल थी, और भी बहुत सी जगहों पे आपको स्पेशली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऊपर आप किधर पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर किधर पढ़ते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किधर क्लियर होते हैं आपके, ऑफकोर्स आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में। फिर यार लास्ट में टू क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट अक्सर लास्ट में ही पूछे जाते हैं और आपका सारा इंटरव्यू बेस कर रहे होते हैं इन क्वेश्चन पे, कि वाई शुड वी हायर यू? तो इसमें आपको यह बताना होता है कि हाउ यू आर बेनिफिशियल फॉर देयर कंपनी। उसमें आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने CV में जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखी होती है, पर्सनल स्टेटमेंट में जो है कुछ और लिखा हुआ है और इधर आप इंटरव्यू में आके कुछ और बातें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये चीज कंसिडर ना की जाए, बट अगर की गई तो देखें नेगेटिव पॉइंट है ना। और द लास्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट वन एज वेल, कि एक्चुअली नॉट द डिफिकल्ट वन, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, ये जॉब्स में भी पूछा जाता है, इंटर्नशिप में भी पूछा जाता है, ज़्यादातर जॉब्स में पूछा जाता है, कभी कभी शोगल लगाने के लिए इंटर्नशिप में भी पूछ लेते हैं, यार शोगल के लिए कुछ चीज़ नहीं होती। अच्छा जस्ट जोकिंग। अच्छा तो वो क्वेश्चन ये है कि वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट एक्स ईयर्स, लाइक 5 ईयर्स और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। अच्छा यार मुझे लगता है इस बात में बंदे को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी इस चीज़ का आंसर कर लिया होता है बातों बातों में, क्यों अपने फ्यूचर प्लान बता के आप क्या कर रहे हैं, आप क्या किस काम पे डेडिकेटेड है। अब आपने थ्रू आउट द इंटरव्यू जो है डेडिकेशन शो की है वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स आप उसे जाके कहें कि मैं खुद को देखता हूँ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है फिर वो कहीं ना कहीं से रिलेट होना चाहिए आपके इंटरव्यू के साथ कि हाँ यार ये आगे जाके इस तरह से सही है। तो दैट्स ऑल आई गेस। और ये जो है जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो, अच्छा ये जो है ना जो कॉमन क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा जो आपको जहन में रखना है, इसके मुताबिक आप तैयारी करें तो आई थिंक यू कैन क्रैक एवरी इंटरव्यू, बिकॉज जो मैंने 3 क्वेश्चंस बताए ना यार उस पर सारे क्वेश्चंस बेस कर रहे होते हैं, बाकी जो ऊप के क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन है वो सबको पता होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी अलग से वीडियोस बना लूंगा मैं, सही है। तो डू टेल मी इन द कमेंट्स एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो बहुत अच्छा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम।